10:30 बज गए हैं, अभी 1:50 की फ्लाइट है। तो होटल से 10:30 का चेकआउट का बोला है, 11 तक। तो अभी यहाँ से बस में जो है एयरपोर्ट ड्रॉप करने आएंगे। अभी ये पूरा जो थर्ड पार्ट है, ये कायरो से टोरंटो तक का मैं दिखाऊंगा, इजिप्ट एयर में अगर आप आने वाले हैं तो। क्या सब कैसे होता है? तो अभी नीचे चलते हैं, पूरा सामान लेकर सब पैक कर दिया है। बहुत मज़ा आया होटल में, पूरा सिटी घूमे थे। वो अगर आपने नहीं देखा तो इसके पहले का वीडियो जो है वो देख लीजिए। बाकी नीचे चलते हैं। बाय बाय कायरो इजिप्ट, मज़ा आया। कभी आना हुआ तो आएंगे, कभी लक्सर आएंगे, वो देखना है। बाकी चलते हैं अभी टोरंटो के लिए। बाय। पहले 19 डिग्री ने आ ठंडी अत्यार बस आ गई है। अभी सीधा जो है वो एयरपोर्ट जाएंगे। मज़ा आ गया। अच्छा ठंड है, 19 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। Enjoyed very good, very good, very good. Egypt, very good. Very good, good. Very good. Wait, wait. Yes, yes. Coming. Wait, wait. Mm-hmm. Very good, Egypt. So we back at Cairo Airport and सबसे पहला जो पासपोर्ट लेना है, पासपोर्ट और बोर्डिंग जो है यहाँ पे अंदर सबमिट करवा दिया था। फिर वी आर टेकिंग ऑफ फॉर द टोरंटो। वेयर आर गोइंग? आई एम हेडिंग टुवर्ड टोरंटो एंड आफ्टर दैट आई विल मूव टू बैरी। ओके बैरी, माय बैरी फ्रेंड। पासपोर्ट जो मिल गया, यहाँ से कलेक्ट कर लिया था। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी होगा, पर वेट वगैरह सब कुछ नहीं होगा शायद। यहाँ पे सिक्योरिटी सिर्फ होगा, यहाँ पे लगेज की रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे चेक इन करवाना है और बैठ जाना है फ्लाइट में। बोर्डिंग एंटर करते ही सामने ही है। तो चेक इन डन, सिक्योरिटी डन। तार मोड़ तो ले। हेलो गाइस, हेलो, आई एम फ्रेंड ऑफ की। And you are heading to Toronto. Yeah. Toronto. Yes, Toronto. Toronto. And accent आ जाएगा। हाँ। एक दो घंटे में वहाँ पे रहेंगे ना तो accent अपने आप आ जाता है। हमारा check in हो गया है इजिप्ट में और हम लोग फ्लाइट की ओर जा रहे हैं। अभी 12 घंटे की फ्लाइट है, देखते हैं वो ड्राइवर थक जाएगा तो हमें बुलाएगा थोड़ी देर उड़ाने के लिए। And we know how to drive a plane. So we manage. हाँ। और ये देखो आगे का नजारा। अभी हम जो है वो आपको जोड़ों के दर्द का उपाय दिखाएंगे। लेट्स गो, लेट्स गो। यहाँ पे आपको पैर नहीं चलाना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो।
12 घंटे की पनिशमेंट है अभी फ्लाइट की। हाँ, ओह सॉरी सॉरी। और थोड़ा हम लोग ब्लॉक के चक्कर में दूसरे लोग को आगे नहीं जा रहे जाने दे रहे थे, सो सॉरी फॉर दैट। पर ब्लॉक भी इम्पोर्टेंट है, तो ब्लॉक करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ हाँ। Let's do subscribe, like and press the bell icon of this channel. If this channel hits 50k, then the owner of the channel will give away iPhone to you. The three lucky persons will get iPhone. This is the owner of this channel. Only three lucky persons. सारा लगेज चेक किया है कायरो एयरपोर्ट पे। मुंबई से कायरो आया था तब मेरा डीओ हैंडबैग में चला गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर यहाँ पे जो है वो डीओ निकाल दिया हैंडबैग में मेरे था, तो वो निकाल लिया है। तो अगर आप कायरो से टोरंटो की फ्लाइट ले रहे हो तो यहाँ पे जो है वो डीओ निकाल लेंगे, तो आप जो है वो लगेज बैग में पहले से ही डाल देना, साथ में कुछ नहीं करना। बोर्डिंग का टाइम है, पीछे जो है वो सीता गेट्स जो है ओपन हो जाते हैं, फिर 12 घंटे की फ्लाइट है टोरंटो के लिए।
अभी 450 किलोमीटर है, पूरा टर्बुलेंस स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा पूरा विंड भी ऐसे इतना, ये मेरा फोन पूरा शेक कर रहा है। सो अभी हम लैंड कर रहे हैं टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे फाइनली। अभी हम जा रहे हैं, नीचे उतरते हैं टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे। नीचे उतर गए, अभी बाहर ठंड है, इसमें देखते हैं कितना थंडर बे में, तो वेदर बहुत ख़राब है। तो मेरा फ्रेंड का मैसेज आया, दिस इज योर बिजनेस क्लास। फर्स्ट मोमेंट इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, बहुत ठंड है। कैसा लगा टोरंटो? बहुत बढ़िया। हाउ आर यू ऑल? दिस मैन यू कैन सी इन थंबनेल, जय श्री राम बोलला। हाँ, इमिग्रेशन के लिए देर हो जाएगी, आप सिर्फ थोड़ी ग्लिम्प्स देख लो, ग्लिम्प्स एयरपोर्ट की। ठंड लग रही है आपकी, थीजी गई है पीछे वाला? नहीं, थीजी गई है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। फ्लाइट में गए थे? फ्लाइट में तो बहुत गर्मी। एयरक्राफ्ट से बाहर आते ही यहाँ पे ये स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट ऐसा बोर्ड था, तो यहाँ पे सब स्टूडेंट्स को लाए हैं और सबका जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है वो बाहर निकालने के लिए था। फिर अभी यहाँ पे इमिग्रेशन होगा, सारे स्टूडेंट्स की लाइन है। गुड मॉर्निंग गाइस, 8:00 है टोरंटो में। सारे स्टूडेंट्स को जो है वो साथ में यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स करके ऐसा होल्डिंग लगा था, तो सभी को बिठाया था और अभी सबको लाइन में लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन निकाल के इमिग्रेशन की ओर ले जा रहे हैं। अभी इमिग्रेशन ख़त्म हो के आपसे मिलता हूँ कि क्या हुआ है, इमिग्रेशन में कौन से सब क्वेश्चन पूछे सारा दिक्कत होगा। सो अभी जो है वो सारा इमिग्रेशन सब कुछ ख़त्म हो गया, वो बाद में आपको बताऊँगा। टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुँच गया, अभी मेरा एक खास जो है भाई आने वाला है, फ्रेंड भाई जो भी कह लो, उनसे मिलवाता हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। पार्थ और भार्गव दोनों आ रहे, अभी उसका ही वेट कर रहा हूँ, आपको मिलवाता हूँ उनसे। और बाकी इमिग्रेशन का सब कुछ कैसे प्रोसेस हुआ वो बाद में बताता हूँ। अभी 2:40 को मेरी थंडर बे के लिए फ़्लाइट है, तो अभी मेरे पास 3-3.5 घंटे है, तो तब तक है वो उनके साथ सारा मिलके बैठते हैं। ये पार्थ है, दाढ़ी मूछ वाला, ये गाड़ी चला रहा है वो जीत है, और ये भार्गव है। युवास ये दिनेश पची हाउस टोरंटो। ગુજરાતી માં લઈ ઇતર રમ ખા રહે ઉતરતે વખત ढोकड़ा सेव खमणी फाफड़ा पार्थ भाई की तरफ से। तो अभी जो है यहाँ पे बजे है 2 और मेरी थंडर बे की फ्लाइट है। चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया, यहाँ पे लगेज भी मिल गया था, मेरी कनेक्टेड फ्लाइट थी फिर भी लगेज मिल गया था। अभी उसका सारा जो है आपको बताऊंगा। अभी जो है मैं थंडर बे के लिए फ़्लाइट लेता हूँ, अभी बोर्डिंग वगैरह हो गया है, सीधा फ्लाइट में ही जा रहे हैं। तो एक बंदा यहाँ पे मुझे मिल गया था, अजय हरियाणा का है, उसकी भी सेम फ़्लाइट थी,
तो ग्रुप में से कांटेक्ट कर लिया था, वो पीछे आ रहा भी सीधा जाते हैं देखते। ये तो छोटा कैरियर पर दो घंटे की फ्लाइट है, दो ढाई घंटे की। और यहाँ पे तो टोरंटो में काफ़ी गर्मी थी, पर थंडर बे में पूरा बर्फ़ का माहौल है। भी सीता जो है वो फ्लाइट ले रहे, बोर्डिंग सारा कंप्लीट हो गया। मतलब क्या ये एयरक्राफ्ट तो छोटा होगा, दो ही घंटे की फ्लाइट है, आराम से प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, वो लास्ट वाली 12 घंटे की थी तो पूरा अकड़ गए थे। ये पूरी डोमेस्टिक फ्लाइट है, इसका लेग रूम भी ठीक ठाक है, इसमें कोई भी जो है वो स्क्रीन प्रोवाइड नहीं की है, क्योंकि ये छोटी फ्लाइट है। हमारे यहाँ पे जैसे इंडिगो विस्तारा वगैरह होती है, ऐसे ही फ्लाइट है कैनेडा की। थंडर बे पहुँच गए हैं, फ्रेंड आने वाला है, लगेज ले लिया। और यहाँ पे पूरी बर्फ़ गिरी है, देख सो पूरा ठंडा है। लगेज सारे मेरा कलेक्ट कर दिया, टोरंटो से फिर से चेक इन करवाया था, यहाँ पे मिल गया है। छोटा एयरपोर्ट है पर अच्छा है, पर ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं आपको ना अभी इमिग्रेशन का बताता हूँ कि टोरंटो एयरपोर्ट पे जब लैंड हुए तो इमिग्रेशन का सब कुछ कैसा सीन था। तो सबसे पहले लैंड होते ही जब बाहर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी, तो वो बोल रही थी कि न्यू स्टूडेंट्स ऐसे बोल रही थी। तो सभी को एक कुछ ऐसे साइड में स्पेस जैसा था, वहाँ पे सबको बिठाया। फिर सब आ जाने के बाद उन्होंने बोला कि लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है वो निकाल के रखो, कि जो आपका PPR लेटर वो आता है कि उसमें लिखा होता है ब्रिंग दिस लेटर टू कैनेडा ऐसा, तो वो लेटर सबका जो है उन्हें पहले निकालने को बोला। फिर लाइन में इमिग्रेशन का जो है हॉल है वहाँ पे सबको ले जाया और वो लेटर सबके जो है वो कलेक्ट कर लिया। फिर एक लाइन में सबको जो है वो एक मशीन थी वहाँ पे, पासपोर्ट का फ्रंट पेज स्कैन करना था तो सारी डिटेल्स आ जाएगी, और अपना जो है वो डिक्लेरेशन देना था कि आप जो कौन सी चीज़ें साथ में लाए, ऐसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट तो आपके पास नहीं है। सो एक फ़ोटो निकाली उस मशीन ने, फिर वहाँ से वो मशीन की सारी डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फ़ोटो निकाली और एक स्लिप निकली, तो स्लिप में एक नंबर मेंशन था। फिर ये सारा ओके हमें बिठा दिया। फिर थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट में वो स्टडी परमिट वाला एक लेटर वहाँ से वो लोग जनरेट करके देंगे, और एक एक नाम जो है वो सबको बुलाया कि एक एक नाम बोलकर सभी को वहाँ पे बुला रहे थे। तो वहाँ पे एक ऑफिसर रहेगा कि आपको जो है स्टडी परमिट देनी है, पासपोर्ट देना है और वो स्लिप। तो उसमें से कुछ मुझे तो क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा था, सारा जो एक ही लेटर मांगा था, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, और कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। और ये सब करके और मुझे स्टैम्प कर दिया था और कह दिया कि वेलकम टू कैनेडा। यही प्रोसेस थी, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। ये पर कंप्लीट होने में 2 घंटे तक लग गए थे मेरे। हाँ, तो इमिग्रेशन जो है वो प्रोसेस कम थी मगर स्टूडेंट्स ज़्यादा थे ना, तो 2 घंटे तो आराम से लग गए थे। यही प्रोसेस थी इमिग्रेशन की।